गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत करता हूँ एक नया वीडियो में। मैं अभी मैकलोनगंज में, जो आपका हिमाचल में धर्मशाला में से 20 किलोमीटर ऊपर में। तो आज यहाँ पर थोड़ा साइट सीन करने वाला। यहाँ पर आपका थोड़ा वाटरफॉल्स है, लेक्स है, कुछ मॉनेस्ट्री है। तो मैं इस हॉस्टल में रुका था, ये आपका कॉमन प्लेस है। काफ़ी अच्छा था ये। तो चलते हैं आगे, हम और भी कुछ दिखाएंगे। मैं अभी रोड में निकल गया है, तो रोड से हम आगे चलता हूँ इस तरफ का। ठीक है, ये भगवानाथ मंदिर है। ये गोरखा राइफल का एक मंदिर जैसा। यहाँ पर मंदिर है, उसके बाद आपका इधर वाटरफॉल है, जिसे वाटरफॉल मान जाता हूँ। उसके बाद ये मंदिर में देख लेता हूँ। यहाँ पर एक सेवर टाइप का स्विमिंग पूल शायद है। ये आपका स्विमिंग पूल है, और इधर कहाँ से पानी गिर रहा है, और इस साइड आपका पानी गिर रहा है। और आगे इस टाइप का आपका आगे पहाड़ है, शायद उस साइड में आपको वाटरफॉल मिलेगा। तो मैं चलता हूँ इधर। इधर थोड़ा मार्केट है, ये मैं वाटरफॉल के बगल में। ये वाटरफॉल अभी सूख गया है, यहाँ पर पानी नहीं आ रहा है। एकदम बड़ा है वाटरफॉल, बट आपका यहाँ पर अभी पानी कम है। थोड़ा ऊपर देख रहा है, ऊपर से वो वाला पानी थोड़ा थोड़ा आ रहा है। मैं नीचे जाने से ट्राई करूँगा, उसके बाद अच्छा जगह है। बट ये शायद आपका जुलाई अगस्त के टाइम वाटरफॉल ज़्यादा पानी गिरेगा। भाई यहाँ बरसात के टाइम ज़्यादा पानी गिरता है ना, अभी नहीं गिरता है उनका। ये आपका बरसात का टाइम ही पानी गिरेगा। तो काफ़ी अच्छा व्यू है इधर, आप देख सकते हैं। इधर शायद आपका कोई जीप लाइन बागानाथ, मतलब यहाँ का रोपवे है बा ऐसा कुछ। काफ़ी अच्छा जगह है। उधर वाटरफॉल में और कुछ नहीं है, अभी यही है।
पहाड़ों के बीच में एक छोटा वाटरफॉल है, बड़ा भी छोटा दिख रहा है, बट ये आपका बरसात में टाइम है, बहुत पानी गिरता है ऊपर से जो पानी आता, तो अभी इतना छोटा ही है, समझ नहीं पा रहे आप लोग क्योंकि यहाँ का पानी थोड़ा सा गिर रहा है। तो यही था वाटरफॉल, तो हम आगे चलेंगे, आगे ऊपर भी और एक वाटरफॉल है और उसके साथ डल लेक है, तो और ऊपर भी शायद आपका मॉनेस्ट्री कुछ होगा, तो धीरे धीरे हम जाएंगे। तो मैं तो पहले से तो फॉरेनर लुक है ही सबसे। इधर एक बात है, धर्मशाला से ये 20 किलोमीटर ऊपर है, काफ़ी अच्छा जगह है, बट यहाँ जो बजट ट्रैवलर है तो उसके लिए थोड़ा दिक्कत होता, तो काफ़ी महंगा है खाने के लिए। जैसे 5-star 4-star होटल में जैसे खाने का प्राइस रेट है, यहाँ पर नॉर्मल अब शॉप में जाएंगे, नॉर्मल दुकान में जाएंगे उससे खाने का रेट है, तो नहीं तो सब ठीक है, साफ सुथरा है, परिष्कार है। तो इस तरफ का ये वाला व्यू, चलता हूँ आगे, आगे आपका दूसरा वाटरफॉल और आगे मॉनेस्ट्री भी है, मॉनेस्ट्री के पास जाएंगे तो अच्छा लगेगा। चलिए पहले कुछ खा लेता हूँ, ढूंढ रहा हूँ खाने का कुछ, उसके बाद आगे बढ़ता हूँ। मैं ब्रेकफास्ट करके मैं थोड़ा इधर बैठा हूँ यही भगवान नाग मंदिर में, ये काफ़ी अच्छा है। तो पीछे आपका ये वाला मंदिर है, ये मंदिर है आपका, ये एक्चुअली गोरखा राइफल जैसा आपका इंडियन आर्मी है, गोरखा राइफल उसका मेमोरी से ये बनाया गया। एक छोटा टेंपल है, ये जो पानी आप देख रहे हैं ये वाला पानी आप ऊपर से पहाड़ से आ रहा है, तो काफ़ी अच्छा है, वो साफ है पानी। इधर देखिए तो ये यहाँ पर शायद नहा भी सकते इसलिए दिया है। मैं आगे हम जाएंगे आपका डल लेक तरफ और वहाँ पर भी टेंपल है देखेंगे, और मॉनेस्ट्री भी है। अभी मैं और डल लेक जो इधर बोलता है आपका मैकलनगंज में, वो डल लेक तरफ जा रहा हूँ, बट इधर इंटरनेट और गूगल मैप का अजब डायरेक्शन है। एक्चुअली मैं 10 मिनट से इधर ही घूम रहा हूँ, ठीक ठाक डायरेक्शन नहीं मिल रहा है, तो मेरे को दिखा रहा है इधर स्ट्रेट जाने के लिए जंगल से ऊपर से, ये आपका शॉर्टकट रूट होगा। तो गूगल मैप किसी टाइम में अच्छा डायरेक्शन देता और किसी टाइम में इतना भयानक डायरेक्शन देगा आप ताज्जुब हो जाएगा। तो मेरे को ये रास्ता चुना पड़ा, ये है मेन रोड है, तो ये आपका थोड़ा सा घूमना पड़ेगा ऊपर से आधा किलोमीटर दूर, तो मैं धीरे धीरे चल रहा हूँ। यही प्रॉब्लम है, चढ़ने के टाइम सांस फूल जाता, सिर्फ ये देवदारू का ट्री है, एक टाइप का झाऊ कैक्टस जाती है जो झाऊ होता है ना वो है, बट इधर रास्ता और सब कुछ सही है, थोड़ा जंगल है, बट यहाँ पर सेफ्टी बोल के आपका चोर और दूसरा कुछ नहीं मिलेगा, बट थोड़ा सा जंगली जानवर का डर रहता है, बट इधर उतना नहीं है। तो आगे आपका थोड़ा कुत्ते हैं, तो कुत्ते के डर के आपको धीरे धीरे देखना पड़ेगा
तो कुछ नहीं करता, ये लोग सब फ्रेंडली है। तो मैं इधर से पहले ऊपर चढ़ता हूँ, उसके बाद फिर से बात करता हूँ। इधर आप देख सकते कितना बड़ा बड़ा ट्री है, सब आपका देवदारू गाछ का ट्री है। देवदारू जैसे लंबा लंबा, इतना लंबा लंबा, तो आप इधर से आप देखिए इतना लंबा। कितना लंबा लंबा ट्री है, मिनिमम यहाँ 60-70 फीट तक हो जाएगा। तो ये आपका, मैं जिस लोकेशन में अभी खड़ा हूँ, ये आपका काफ़ी अच्छा है। दो धार में आपका घना जंगल है और इधर पूरा के पूरा ऊपर पहाड़ी है। मैं धीरे धीरे चढ़ के, ये पूरा चौड़ाई रास्ता है, आगे जो देख रहे हैं रास्ता, ये आपका पूरा चौड़ाई रास्ता है। तो धीरे धीरे चढ़ना होगा क्योंकि हम लोग का आदत नहीं है, तो चढ़ने के लिए थोड़ा दिक्कत हो रहा है, बट शायद हम लेक तक पहुंच जाऊंगे। थोड़ा कोशिश करना पड़ेगा, बट व्यू इधर अच्छा है। ये पूरा जंगल का व्यू है, इतना बड़ा बड़ा इधर ट्री है। सिर्फ एक ही इधर ट्री है जो देवदारू का ट्री है। पूरा के पूरा हिमाचल का पर्वत में, पहाड़ में जितना सारा ट्री है, उसके 95% आपको ट्री आपको देवदारू का ही मिलेगा। बट अच्छा है, मैं धीरे धीरे आगे चढ़ता हूँ। इधर शायद वो वाला रोड है, हम देख लेता हूँ। ये फिर जितना सारा ट्री है, बड़ा हो जाएगा तो उसको और भी लंबा हो जाता। इधर मैक्सिमम आपको इतना बड़ा बड़ा ट्री मिलेगा। भरपूर के जंगल है इधर, आप इकला आएगा तो थोड़ा सा डर लगेगा। कोशिश करिए दो तीन फ्रेंड के साथ आने के लिए और फैमिली के साथ आने के लिए, क्योंकि इधर लोकेलिटी ज़्यादा है, डर नहीं है जंगली जानवर का, बट अकेला आने के लिए थोड़ा डर लगता है। मेरे को भी ऐसे ही लग रहा है, मैं अकेला चल रहा हूँ। आगे थोड़ा शायद आपका कोई लोकेलिटी है उधर होटल से। इधर जंगल ही और जंगल है, पूरा का पूरा ये एरिया आपका जंगल है। कोई आदमी आ नहीं रहा है, जा भी नहीं रहा है, सिर्फ दो एक छोड़ के। हमको मालूम नहीं है, यहाँ पर दिखा रहा है 2 किलोमीटर और लेक तरफ। मैं आगे धीरे धीरे चलता हूँ, तो मेरा को थोड़ा सा तो डर लग रहा है क्योंकि इकला हूँ इधर। इधर एक्चुअली ये ऑफ रोड साइड, ये कोई रोड साइड नहीं है, ये जंगल के अंदर रास्ता है। तो काफ़ी डर लग रहा है, ठीक है चलता हूँ। ये आपका हिमाचल का जंगल है। एक से धर्मकोट साइड है, इधर कोई मॉनेस्ट्री होगा, यहाँ पर लिखा है लेक आधा आगे शायद होगा। स्टूडियो विद द सर स्टूडियो, मेरे साथ और कोई एक बंदा होगा तो अच्छा होता, क्योंकि
मालूम है अकेला घूमने से अच्छा लगता है, क्योंकि कोई परेशानी करने वाला बात नहीं बोलेगा, आपसे आपका मन में आप खुद ही आप कोई भी जगह जा सकते। तो इधर आगे एक बंदा आ रहा है दूर से, ये शायद आपका फॉरेनर है। तो लेक दिस साइड, इधर लेक है ना, लेक नहीं आप इधर डाल लेक बोल के एक लेक है ना, भूल जाओगे आप। यहाँ से जाना है आपने, हाँ आगे से लेफ्ट लेना है, लेफ्ट हमारे इस रोड पे आगे जाके लेफ्ट आएगा, हाँ वहाँ से लेफ्ट लेके नीचे के लिए रास्ता होगा। एक लेक एकदम नीचे है, इस साइड नहीं लेक, लेक ये जो है ना पहाड़ी जो दिख रही है, ये पहाड़ का उस पार, इसके बैक साइड वो नीचे उतरना पड़ेगा लेक के, होंगे सर वो आगे वहाँ वाला पहाड़। तो मैं ट्राई करूँ यहाँ से वापस जाने के लिए, क्योंकि इधर थोड़ा घना जंगल है, कुछ भी हो सकता है, मैं अकेला हूँ, हाथ में कुछ नहीं है, तो मैं रिस्क शायद नहीं लेने वाला हूँ। चलो इधर चलता हूँ, नीचे कोई धर्म स्टूडियो है तो मैं जा सकता हूँ, बट उधर कुछ नहीं है, ऐसे ही। चलो उधर एक बंदा आ रहा है, बात करता हूँ आगे जा सकता हूँ कि नहीं जा सकता।